तो ये हमारा रामफल चौक, बार बार रामफल बोलता हूँ, मेरे दिमाग में रामपुर याद आता है, जहन में आवाज तो कम नहीं होगा, हम जोर से बोलेंगे, हम भी गाएंगे, नाचेंगे और चाय बल्ले खाएंगे। तो आवाज आ जाओ बल्ले बल्ले। तो ये हम आ चुके हैं ला कबाबिया रेस्टोरेंट, जो कि रामफल चौक द्वारका में है, और यहाँ पे हम जायका लेंगे पंजाबी खाने का। आइए देखते हैं किचन में क्या पकाया जा रहा है। सबसे हाईएस्ट सेलिंग कौन से आइटम्स हैं? जैसे वही बता रहे हैं, मलाई टिक्का है हमारा, चिकन खुराना है, बटर चिकन है, सेलिंग है। उसके बाद हमारा तंदूरी चिकन है। चिकन खुराना क्या होता है? होता है एक मेन कोर्स की डिशेज होती है, जिंजर और गार्लिक पेस्ट से इसको मैरिनेट किया गया है, सॉल्ट के साथ, अमूल चीज के साथ और क्रीम के साथ विथ अमूल बटर। हमने इसका मसाला बनाया, उसके बाद इसको मैरिनेट किया काजू के पेस्ट से, और उसको मैरिनेट करके 30 मिनट मैरिनेशन में रख के, उसके बाद 160 डिग्री टेम्परेचर में तंदूर के अंदर हमने इसको डाल दिया। इसको आफ्टर 50 मिनट, 15 मिनट के बाद इसको हमने इसको रोस्ट करके निकालना है, उसके बाद इसकी दूसरी मैरिनेशन तैयार होगी। ये देखिए हल्का-हल्का हल्का-हल्का देखो ब्राउनिश आने लगे इसमें। जी, हल्का पकने लगा है। ये हमारा 100% डन है, ये पूरा पक चुका है, पूरा पक चुका है। उसके बाद हमने इसमें 100% अमूल मक्खन, ये चाट मसाला बहुत जरूरी है टेस्ट के लिए, तंदूर की कोई भी स्नैक्स होता है उसमें चाट मसाला का बहुत जरूरी हुआ है। बटर चिकन हमारे ला कबाब की मोर सेलिंग डिश, हमारा टमाटो बेस ग्रेवी है। ये जो तंदूरी चिकन होता है हाफ डन होता है, ये हम इसमें डालते हैं और हाफ हम इधर इसको पकाते हैं। उसके बाद हमारे मसाले होते हैं, हाँ ये हमारा कस्तूरी मेथी है, बटर चिकन में कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। कस्तूरी मेथी डाला, हल्का सा हमने गरम मसाला डाला, सॉल्ट डाला, और इसमें हमने मक्खन दबा के डालना है। अभी मैंने कम से कम 50 ग्राम मक्खन डाल दिया। ये हमने अमूल क्रीम डाल दिया, वही लगभग 40 से 50 ग्राम। बटर चिकन का मतलब है अमूल मक्खन और अमूल क्रीम, ये हमने इसके गार्निश कर। दो प्याज डाला, वही थोड़ा सा हमने चॉप शिमला मिर्च डाली, ये इसका बेस है। उसके बाद हमने इसको करीबन 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पकाया। उसके बाद हमारे पास कीमा होता है, मटन और चिकन का मिक्स कीमा, वो हमने कीमा लगाया 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम। उसके बाद हमने अपना नॉन वेज ग्रेवी इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारा जो चिकन खुराना बनता है थिक ग्रेवी के साथ बनता है। अपना जीरा पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला, किचन की हल्की सी कस्तूरी मेथी, दहेगी मिर्च और लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, रोस्टेड चिकन डाला और देसी घी। हमारे साथ गोविंद जी हैं, जिन्होंने सारी डिशेज बनाई हैं। यहाँ पे हमारे पास मटन सीख कबाब है, चिकन मलाई टिक्का है, चिकन खुराना और बटर चिकन, अच्छा पराठा आने वाला है, चिकन मलाई टिक्का,
आइए जायका लिया जाए। इसकी सॉफ्टनेस, इसका जूसीनेस आप देख सकते हैं, बहुत शानदार। ये है मेल्टिंग माउथ, मेल्टिंग माउथ है। और काजू का पेस्ट इसमें डाला गया है, बिल्कुल डाला गया है, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा लच्छा पराठा, जिसमें आप देखें कितनी सारी परत है। ट्राई करते हैं पहले चिकन पुराना के साथ। ये डिश जब आप बना रहे थे ना, मुझे एक डिश की याद आ रही थी। एक होता है डिश रारा चिकन, रारा चिकन राइट है। तो ये कढ़ाई चिकन और रारा चिकन दोनों का मिक्स मिक्स है, क्योंकि इसमें कढ़ाई चिकन वाला प्याज और शिमला मिर्च है, तो दोनों के मिक्स को आप चिकन खुराला कह सकते हैं। और जो कीमा इस्तेमाल किया है इसमें, चिकन का कीमा भी मटन का मिक्स होता है। गोविंद जी आपके पैशन से, आपके जुनून से, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खाने में स्वाद इसमें आ रहा है। अब ट्राई करते हैं बटर चिकन, बटर चिकन जो कि दिल्ली की पहचान है, जो कि रिच ग्रेवी के साथ, काजू और टमाटो ग्रेवी के साथ तैयार किया जाता है, अमूल मक्खन और अमूल क्रीम के साथ। लाकवाब का मोर सेलिंग डिश, स्पेशल डिश हमारी वो बटर चिकन, ये बहुत ही उम्दा जाएगा। चिकन को जो बटर चिकन में जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि चिकन तंदूर हुआ ना चाहिए, बिल्कुल, मक्खन और क्रीम, और क्रीम, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत ही शानदार। चलिए सर, गोविंद जी थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत ही उम्दा था। आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपका जो लेबनीज खाना है उसका जायका लेंगे, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। मोट बना रहे हैं, मोट इसमें खूब सारे प्याज हैं, टमाटर है, उबले हुए आलू, इमली, नींबू, चाट मसाला, काला नमक। क्या बात है योगेश जी, एकदम ज़बरदस्त मोट बना रहे हैं। एक बात और, ये मोट अगर घर पे बनाते हैं, चाट मसाला डालते हैं, नींबू डालते हैं, वो स्वाद नहीं आता जितना खोमचे में खाने में आता है, ऐसा क्यों? पता नहीं सर, इस बात को हम नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे आप घर पे बना लो कुलचे, हाँ, छोले, नहीं स्वाद आएगा, वो मज़ा दुकान पे खाने में आता है। सेम वही मोट के साथ भी है, या फिर उबले हुए अंडे भी, आप घर पे अंडे उबालो, प्याज डालो, चार मसाला डालो, नहीं आएगा स्वाद, वो दुकान पे जाके आता है। क्या कारण है, क्या मसाले में है? इसमें क्या बता सकते हैं हम, कुछ नहीं कह सकते सर इस बात। तो हाथ का स्वाद आता है क्या? अपने हाथ की बात होती है, बिल्कुल चटपटा मसालेदार। और कितने में से कितने में तक रहते हैं इस इलाके में? इसमें तो एक दो घंटा रहता हूँ, 6:30 बजे से 10 बजे तक सेक्टर 6 मार्केट में। सेक्टर 6 चले जाएंगे हम? हाँ जी, सेक्टर 6 यही लेटर बॉक्स के पास मिलते हैं, नहीं घूमते रहते हैं कभी कभी, ये खाते हैं ये रेस्टोरेंट वाले यहाँ पर, कबाब यहाँ। हाँ जी, तो इनके पास आता हूँ। बताइए, वो कबाब इसने कभी कभी शाकाहारी मोट भी खा लेते हैं, उसका मज़ा अंतिम में मानूँ क्या है, जब ये रस बचता है ना लास्ट में उसको पीने का, ये स्वाद चाहे फ्रूट चाट लें या मोट लें, जो नींबू मसाला और इमली के पानी का मिश्रण बनता है उसको आप पिए, उसका जो जायका आता है अल्टीमेट। चलिए, बहुत ही स्वादिष्ट था योगेश जी, अब आपने जो बताया है मुझे चाट मसाले की दुकान में ढूंढने के लिए कभी रात को जरूर जाऊँगा। ये तो बेर है, अमरक, शकरकंदी, कोल्ड मॉन्ग है, इमली का रस डाले हुए आप कोल्ड मॉन्ग के बोतल में, बेर अभी मौसम में, देखो चक्के इसमें क्या तेल लगाया हुआ है क्या? तेल नहीं, पानी भिड़ा हुआ, तेल नहीं, बड़ा चमक रहा है। अब मौसम सर्दी का मौसम है तो अभी मिलती है बस, है अभी सीजन का टाइम है तो एक दो पीस खा लेते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? नाम मतलब नाम क्या हुआ आपका? नाम? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष है, सुभाष जी, आप कब से लगा रहे हैं दुकान अपना? मैं चलते फिरता रहता हूँ इधर उधर, फिक्स नहीं है, ठीक नहीं है। अब बाकी टाइम पे क्या होता है, अभी शकरकंदी का मौसम है, इसके बाद गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में बोला रहता है लच्छे और वो चुस्की, चुस्की लगाते हैं, चुस्की। अच्छा,
ये भी एक दिल्ली की विंटर स्पेशलिटी है, शक्करकंदी की चाट, जिस पर चाट मसाला नींबू मिलाया जाता है, साथ में आपको अमरक भी मिलता है। और अमरक आप डलवाना चाहें डलवा सकते हैं, नहीं डलवाते नहीं डलवा सकते हैं, है कि नहीं? बहुत तो डलवाते हैं, बहुत तो नहीं डलवाते, लेकिन अमरक जिसको स्टार फ्रूट भी कहते हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है और इसे खाना चाहिए, खट्टा मीठा हल्का खारा भी, और इसका स्वाद बहुत हद तक आंवले से मिलता है। अब भैया दुकान शिफ्ट हो गई, आइए सुभाष जी आप बताएं नहीं कितना साल से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को कल 4 साल हो गए। यही सर्दियों में शक्करकंदी और गर्मी में सुस्की? हाँ। अच्छा यहीं द्वारका के रहने वाले हैं? हाँ, तो योगेश जी थे बरेली के और सुभाष जी हैं जौनपुर के, दोनों के दोनों ही उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो कभी कभी उनमक लगाते होंगे तभी तो बोतल इकट्ठी होती होगी है सुभाष जी? नहीं लगाते? वाह भैया। चलिए ठीक है सुभाष जी, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बढ़िया आपने चाट खिलाई, इसी तरह लोगों को ओल्ड मॉन्क पिलाते रहिए। चलिए सुभाष जी को दे दीजिए, उनको जाने का टाइम हो रहा है। सुभाष जी अरे पीजिए आप, ठंडा का समय है, चाय पीते जाइए, है कि नहीं? क्या बात है, कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? हमारे को यहाँ सर हो गए 20 साल। 20 साल यही चाय का काम करते हैं? तलब के पास हमारी दुकान थी। किस चीज़ की दुकान थी? चाय पानी की। चाय पानी की पंप हाउस टूट गया? हाँ जी, वो उसका नीचे से पानी खत्म हो गया तो हटा देते हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ भी अच्छा लोकेशन है, पेड़ के पास है, बीचों बीच लाखों अभिया के सामने। आपका नाम क्या हुआ? राम कुमार। राम कुमार जी, आप कब से कब तक रहते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक। सुबह 5 बजे आ जाते हैं यहाँ पे? तो सुबह 5 बजे कौन सा कस्टमर आता है यहाँ पे? जो घूमने फिरने वाले हैं। हाँ, तो चाय पीने की चीज़ है, जैसे आप लोग घूमते हो। हाँ, तो सुबह पीती मीठी चाय पीते हो, तो जो हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वो लोग रुकते हैं अपना चाय पी के जाते हैं। चलिए राम कुमार जी, चाय एकदम मीठा है, चाय सही, चाय अच्छा है, हमारे पास बच्चा भी आएगा तो चाय मिलेगी, बढ़ाएगा तो चाय। अरे अदरक उधर डाल के बनाए, क्या बात। आप पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक पानीपत। अच्छा आप हरियाणा के हैं? हाँ जी। उत्तराखंड मिल गया हमें, उत्तर प्रदेश मिल गया, अब हरियाणा भी मिल गया, घूम रहे हैं दिल्ली में, अभी तक दिल्ली वाला नहीं मिला कोई है? दिल्ली में तो कोई एक आधे गांव में मिल सकता है, बाकी तो पूरी स्टेट बाहर की है। ठीक है धन्यवाद राम कुमार जी। ठीक, ये आ गए हम रामपाल चौक पे केसी रेस्टोरेंट, जहाँ पे काफ़ी भीड़ है, चलते हैं इनके बेस किचन में, वहाँ देखते हैं कैसे मोमो बनाए जाते हैं, उसका जायका भी आप तक पहुँचाते हैं। आइए मोमो ही मोमो, जैसे जैसे होती है चाट ही चाट, कबाब ही कबाब, वैसे होती है मोमो ही मोमो। चले तो ये हाफ कुक रहता है मोमो, तो आपका हाफ टीम रहता है? हाफ टीम रहता है, हाफ टीम होता है, बाकी एक लोग मक्खन, एक क्रीम डाला है, है? कि मेयोनीज है? दही, 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 अच्छा, दही और मक्खन और चाट मसाला और क्रीम।
यहाँ बना रहे हैं पैन फ्राई मोमो यहाँ पे ऑनियन भी गया और टमाटर केचप ग्रीन चिली सॉस क्या बात है कैसे करते हैं मेरे को सिखा दो यार ऐसे उस हाल पे इसकी ट्रेनिंग ली जाता है। अच्छा हाँ ये बात भी सही कह रहे हैं। अरे वाह अब डाल देंगे इसमें धनिया पत्ती हमारे ठीक पीछे इनका बेस किचन है जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेस पे मोमोज स्टीम करके रखे गए हैं। एक तरफ तंदूरी सेक्शन है जहाँ पे मोमोज ग्रिल किए जा रहे हैं एक तरफ गैस पे मोमो अलग अलग वैराइटीज के पकाए जा रहे हैं। हमने दो तरह के मोमो यहाँ पे मंगवाए हैं जिसमें एक हमारे पास पैन फ्राइड वेजिटेरियन मोमोज हैं दूसरा बटर मलाई चिकन मोमोज हैं। तो आइए अब जायका लिया जाए चिकन मोमोज देखें कैसे क्रीम में लटपट इसको आप बटर मलाई मोमो को ये कह सकते हैं। अफगानी मोमो विद अ ट्विस्ट दही की अच्छी खटास है इसमें और चाट मसाले का हल्का चटपटापन साथ में क्रीम और मक्खन का भी जायका और उसके बिना तो हमारे दिल्ली वाले नहीं मानते मक्खन और क्रीम तो चाहिए। ये है पैन फ्राइड वेजिटेरियन मोमो बिल्कुल फूला हुआ इसमें स्टफिंग बहुत अच्छे से की गई है इसमें केचप का मीठापन है ग्रीन चिली और चिली का तीखापन है साथ में मोमो बाहर से बहुत ही क्रिस्प है। तो हमने जो दोनों मोमो ट्राई किए दोनों ही काफ़ी अच्छा था सबसे मज़ा आया यहाँ पे एक्शन देखने में। अजय भाई नमस्कार पिज्जा ऑमलेट चीज पिज्जा ऑमलेट चिकन पिज्जा ऑमलेट ड्राई फ्रूट पनीर हमारे पास कई प्रकार के ऑमलेट होते हैं आप बना दो हमारे लिए पिज्जा ऑमलेट बना दो पिज्जा चीज पिज्जा बनाते हैं सर बहुत बढ़िया चीज पिज्जा ऑमलेट बहुत बढ़िया है। तो मैं स्टार्ट करूँ कितने अंडे का 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30 अंडे तक का होता है ये काम भी नहीं खा पाएगा सर उसके लिए फैमिली पैक है वो आज जो 30 अंडे का ऑमलेट बंदे जो खाता है वो उसको 10,000 रुपये इनाम मिलेगा और लाइफ टाइम फ्री है और 25 मिनट में खाना होता है। अभी तक किसी ने खाया अभी सर वो कभी 50% खा पाता है बंदा कोई खा ही नहीं पाया। छठा सातवां आठवां नौवां और ये दस हो गया नमक ओनियन टमाटो ग्रीन चिल्ली और जिंजर भाई का 10 अंडे का ऑमलेट पूरा डाल दिया आपने पूरे अंडे 30 का इसमें बन जाता है इसमें 30 बन जाएगा चाट मसाला जी गरम मसाला अपने हाथ का पिसा हुआ है गरम मसाला अपने हाथ का ऐसे धनिया ये नींबू आएगा लेमन ये बटर आ रहा है
तो ये आ गया संजीव भाई का स्पेशल चीज़ पिज्ज़ा ऑमलेट जो कि 10 अंडों से बनाया गया है। हालांकि हम ये पूरा ख़त्म करने वाले नहीं हैं, जो बचेगा वो हम पैक करा के ले जाएंगे। और इसको सिर्फ एक शब्द में अगर बताना हो कि ये क्या है तो मैं कहूँगा खतरनाक है। बस समझ लीजिए इसमें क्या नहीं है। फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, अंडे तो है ही हैं, साथ साथ क्रीम भी है, मक्खन भी है, पनीर भी है। इसका जायका मैं पहले भी कई बार ले चुका हूँ और मैं संजीव भाई जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो ये पिज्ज़ा ऑमलेट आप देख रहे हैं दिल्ली में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद आज कई जगहों पे दुकानें खुल गई हैं और भी कई वैराइटीज़ के आने लगे हैं। इनके पास अगर ऑमलेट की वैराइटीज़ देखें आप तो इनके पास पिज्ज़ा ऑमलेट है, स्पेशल चीज़ पिज्ज़ा ऑमलेट है, स्पेशल चिकन सीख कबाब ऑमलेट है, स्पेशल ड्राई फ्रूट पिज्ज़ा ऑमलेट है, एग भुर्जी है, चिकन कबाब भुर्जी है। आप पर आइए, कई वैराइटीज़ है, आइए जायका लिया जाए। क्रीमी, चीज़ी, मीठा, स्पाइसी, जो फ्लेवर की आप बात करें सब कुछ इसमें है। संजीव भाई, पिज्ज़ा ऑमलेट सबसे पहले आप ही ने शुरू किया था पूरे दिल्ली में क्या, पूरे हिंदुस्तान में? उसके बाद आप कई जगहों पे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया इसको, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं वो तो कॉपी कर सकते, मैं टेस्ट नहीं दे सकता। और आपने यही रामपाल चौक पे अपनी दुकान रखी? हाँ, ये हमने रामपाल चौक पे दुकान रखी। अपना संजीव भाई का मशहूर पिज्ज़ा ऑमलेट जो कि बिल्कुल ठीक केसी रेस्टोरेंट के सामने में है। और कितने से कितने तक आप यहाँ रहते हैं? यहाँ से हम भाई 2 बजे से रात के 11 बजे तक। और अब इसके बताइए ये डिश कब शुरुआत हुई इस डिश की? ये डिश हो गई थी सन 2000 में शुरू हो गई। और कैसे ये आइडिया आया इसको बनाने का? पहले तो प्लेन ऑमलेट बना, फिर हमने कहा चीज़ डाल के देखते हैं चीज़ कैसा लगेगा, तो कस्टमर को अच्छा लगा। पहले हम क्रीम डालते थे, अब तंदूरी मिर्च भी चालू करते। जिस अंदाज से संजीव भाई बनाते हैं उसको देखने का एक अलग ही आनंद आता है। जब वो आग लगती है तो चलते हुए सड़क पे लोग रुक जाते हैं देखने के लिए, तो वो भी एक एक्शन देखने का भी अलग मज़ा होता है। चलिए संजीव भाई अब चला जाए, पेट काफ़ी भर चुका है, कुछ खाया नहीं जाएगा। लेकिन जाते जाते यहाँ पे जो शाही दही भल्ले हैं इनकी दुकान सरोजी नगर में भी है ना, उन्हीं की आउटलेट है, और वहाँ चल के शाही दही भल्ला खाते हैं और उसके बाद पान की तलाश की जाएगी, पान मिलेगा, उसके बाद जाके हम अपना रामपुर के जाके का सफ़र, रामपुर नहीं रामफल, रामफल चौक के जाके का सफ़र एंड करेंगे। माफ़ कीजिएगा, रामपुर नहीं रामफल, रामफल चौक के जाके का सफ़र एंड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं खाओगे तो पछताओगे, तो मैं पछताना नहीं चाहता हूँ। रामफल चौक आते हैं और चलते हैं और यहाँ पे शाही दही भल्ले का जायका लेते हैं। लगाओ सर हमारे लिए दही भल्ले। ये दुकान बिल्कुल केसी रेस्टोरेंट के साथ में है और यहाँ पे पीछे खाना चल रहा है बहुत तेज, आपको पीछे आवाज़ भी आ रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ऊंचा बोलूँ। ये हमने लिया है शाही दही भल्ला जिसमें उड़द दाल और मूंग दाल का भल्ला है, क्रीमी दही, पापड़ी, सौंठ, धनिया पुदीने की चटनी, उसके बाद काजू भी है, किशमिश भी है, अनार भी है और जिंजर लच्छा, अदरक का लच्छा भी है। आइए जायका लिया जाए। कैसा लगा भल्ला? अच्छा अच्छा है कि मतलब सोचो वही मैंने भी कहा, मैंने कहा इसको मैंने कहा इसको उम्दा नहीं कहेंगे लेकिन अनोखा जरूर कहेंगे है। चलिए अच्छा था। सर एक चना सूप लगा दीजिए। मैंने ये फर्स्ट टाइम चने का सूप पिया था रोहतक में और दिल्ली में पहली बार पी रहा हूँ ये, और कहीं मिलता भी नहीं जल्दी नहीं, लगता नहीं, मुझे दिल्ली में नहीं। सिर्फ आप ही की दुकान है? क्या बात है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतन। रतन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भिलवाड़ा से हूँ, राजस्थान। राजस्थान के हैं? क्या बात है,
यहाँ पे हमें उत्तराखंड के लोग मिल गए, उत्तर प्रदेश के लोग मिल गए, हरियाणा के लोग मिल गए और अब राजस्थान के भी रतन जी मिल गए। तो सर बताइए कैसे बनाते हैं सूप? सूप को चने को शाम को भिगो दो और सुबह इसको आधा घंटा थोड़ा उबालो, गर्म पड़ जाएंगे, फिर बाद में पीस लेना। और एक डब्बा चने का भर के रख लेता हूँ, बाकी चने को पीस लेता हूँ और फिर छान लिया उसको। उसमें मसाले सारे डालते हैं कुछ? मसाले तो मैं सब साथ लेता हूँ, सब खुद कूट के तैयार करता हूँ। जैसे क्या क्या मसाले जाते हैं इसमें? इसमें लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, इलायची, काली इलायची बड़ी वाली आती है। इस साथ में आप कितनी अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, आप देखिए इसमें चना डाल रहे हैं, इसमें कितना प्रोटीन होता है, कितना हेल्दी है। साथ में आपने जो क्रीम और मक्खन डाला है वो भी अच्छे क्वालिटी का डाला है, नींबू डाला है, प्याज डाला है और तो कुछ इसमें काम झाम है नहीं, नहीं मिलावट वाली और खराब चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं। टमाटर का बनाऊंगा तो टमाटर को पीस के बनाऊंगा, हाँ, और चने का बनाया तो चने पीस के बनाया, ऐसा नहीं जो सॉस डाल दिया कोई मिलावट कर दी, आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करता। हाँ, बहुत ही स्वाद है जो अभी चने का सूप है, तो जो चने का कलर है वही आया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। ठीक है, रेगुलर कस्टमर्स भी हैं। तो यही दुकान गर्मियों में आइसक्रीम बन जाती है? मेवाड़ आइसक्रीम जो मिलती है, काजू शेक मिलता है वही? अरे वाह, वही बहुत मज़ा आता है, मज़ा आ गया सर। रतन जी जबरदस्त। तो सूप शुरू किए हुए 3 साल आपको? हाँ, 3 साल। बाकी आइसक्रीम का मेरे को 20 साल से मैं कर्नाटक, वहाँ क्या कर रहे थे? अभी आइसक्रीम का, मेवाड़ आइसक्रीम। हाँ, ये मेवाड़ आइसक्रीम पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है। अच्छा, मेवाड़ से तो जो महाराणा प्रताप वो नाम से मेवाड़ मिलते हैं, हमारे एरिया का नाम है। बाकी जो टोटल है जो आइसक्रीम वाले भिलवाड़ा वाले, तो वहाँ पे कौन है, कौन सिखाता है आइसक्रीम बनाना सबको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसा मैं किसी के पास गया हूँ मजदूरी की, तो मैंने बना लिया और आइसक्रीम रेडी करा लिया, सब अपने अपने खुद का काम। हाँ, मतलब बिहार जाओ, झारखंड जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, कर्नाटका जाओ, भिलवाड़ा जिले हर जगह में हमारा आइसक्रीम। जैसे दुकान चाहे शोरूम, इनके पास हम नौकरी करना पसंद नहीं करते, अपना काम, अपना काम करो, चाहे 100 कमाओ 50 कमाओ। हाँ, हमारे भिलवाड़े वाले का बस ये रूल्स है, रोड पर खड़े तो चलेगा, बाकी गुलामी मत कर। चलिए अच्छी बात है, है ना। और आप लोग सब, हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में फूड एंटरप्रेन्योर है, मतलब आप लोग अपना रोजगार, स्वरोजगार है, हुनर, हुनर, हुनर करना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए रतन जी, दोबारा आएंगे जब भी रामपुर चौक, आपसे मिल के जाएंगे, आपका चना सूप पी के जाएंगे, है ना। चलिए धन्यवाद। प्रणाम सर, एक सादा पान खिलाइए। तो चौरसिया जी इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद में सोफिया पान, सोफिया पान सुने हैं? हाँ, उनके हम पान बहुत शौक से खाते हैं। और इसी के साथ हमारा रामफल चौक के जायके का सफ़र समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे दिल्ली के नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।